मेरे पीछे जो आप ये घाटी देख रहे हैं, ये दरअसल है पाताल कोट। हम इस समय छिंदवाड़ा में हैं। छिंदवाड़ा से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर ये घाटी है। 80 किलोमीटर में फैली ये घाटी कुछ खास विशेषताएं लिए हुए है। इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी है और जनजातीय महत्व भी है। दरअसल इस घाटी में रहने वाले गोंड और भारिया जनजाति के लोगों का संपर्क आम दुनिया से कुछ सालों पहले तक नहीं था। अब सरकार और कुछ संस्थाओं के प्रयासों से उनसे संपर्क हुआ और अब उन जनजातियों के लोगों से को जोड़ा जा रहा है, जो मुख्य धारा है उनसे, उनके प्रशिक्षण से लेकर के इस पूरे क्षेत्र की जो खूबियां हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए, यहाँ पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर किए जा रहे हैं। इस घाटी से जुड़ा एक और रहस्य है, जो पौराणिक मान्यता जिसकी है वो ये रामायण से जुड़ा हुआ है, माँ सीता से जुड़ा हुआ है। यहाँ की भारिया जनजाति के लोगों का मानना है कि पातालकोट में एक गुफा भी है जहाँ पर माँ सीता जो थी वो धरती में समा गई थी। इसका ये आध्यात्मिक महत्व भी है। ऐसे में ये घाटी जानवरों, जंगली जानवरों, सबसे पूरी तरीके से हर तरह के यहाँ पे जानवर भी हैं, वो जनजाति के लोग भी हैं, जो आप ये कुछ घाटी में कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स देख रहे हैं, इसमें ही वो जनजाति के लोग रहते हैं जिनसे कुछ साल पहले तक संपर्क नहीं था और वो बाकी दुनिया से कटे थे। मध्य भारत में ये एक बेहद खास और विशेष प्रकार की जनजाति है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यहाँ पे आदिवासियों के विकास के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या प्रयास हुए हैं, इसको लेकर हमने यहाँ के कई लोगों से बात की। कई यहाँ पे जो महिलाएं हैं जो उस समुदाय से आती हैं उनसे बात की। उन्होंने जो हमें कहानी बताई वो हम आपको बताते हैं। लोग इस समय पातालकोट के पास ही ये तामिया है, यहाँ का एक पर्यटक केंद्र है, यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ के एक नेटिव फूड जो है, जिसको लेकर पातालकोट की रसोई की जो बात होती है वो हम लोग बनता देख रहे हैं। ये क्या आप बना रही हैं? मक्के ज्वार बाजरे की रोटी है, टमाटर की चटनी है, बैगन का भरता है, हरी मिर्च का ठेचा है, सरसों का साग है, घी वाली रोटी है, तो गर्मा गर्म रोटी मिलती है। आप यहीं उगाते हैं? जी नहीं सर, हाँ मतलब यहीं लगती है, पिसवा के और फिर उनको बनाना पड़ता है। हम लोगों को ज्वार बाजरा सब लाते हैं, फिर पिसवाते हैं, फिर बनाते हैं। कितने साल से बेच रहे हैं? जी सर 4 साल हो गए हमको यहाँ पे लगाए हुए दुकान। ये सिर्फ यहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता है? जी नहीं जी, यही मिलता है, शहर पे तो बहुत कम मिलता है। शहर पे कहाँ मिलता है सर? हाँ शहर में तो नहीं मिलता, सिर्फ गाँव पे ही मिलता है। ठीक है जी। तो इससे कितनी इनकम हो जाती होगी? अब सर खाने वाले के ऊपर रहता है, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो बैठे रहते हैं। अभी पातालकोट की रसोई को आप पढ़ा रही हैं जी। पातालकोट में आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार और स्थानीय स्तर पर कई समाज सेवी संस्थाओं की ओर से भी काफ़ी प्रयास किए गए हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है, वहीं यहां पातालकोट में यहां के जो मिलेट्स हैं उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर तक हो, इस पर भी काम चल रहा है। और एक पाताल लोक की रसोई कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं पवन श्रीवास्तव जी। थोड़ा सा आप हमें बताइए कि ये पाताल लोक की रसोई क्या है और किस तरीके से ये आदिवासियों के डेवलपमेंट में काम कर रही है और इस इलाके की पहचान भी बना रही है देश में। जी देखिए, पातालकोट की रसोई बेसिकली जो है एक चिंतन है
और एक विचार जो हमने रखा कि हमारे यहाँ की जो धीरे धीरे लुप्त होने वाली जो हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, या जो हमारी विरासतें जो चीज़ें हैं जिसमें खान पान भी शामिल है, हमारी कृषि भी शामिल है, रहन सहन शामिल है, उसको हम किसी तरह से संरक्षित कर सकें, संरक्षित का कोई एक माध्यम हम उसको ला सकें। तो बहुत अच्छी बात है कि ये नया उभरता हुआ पर्यटन स्थल के रूप में तैयार हो रहा था, बहुत सारे लोग बाहर के यहाँ आने लगे थे, तो एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई कि जब भी यहाँ से लोग आएँ तो उन्हें क्या लेके जाएँ, वो अपने साथ क्या अनुभव लेके जाएँ। तो एक बहुत अच्छा अनुभव हो सकता था कि हम एक माध्यम बने कि पर्यटक हो और यहाँ के स्थानीय लोग हों, उनका एक माध्यम हम बने। तो वो माध्यम बन सकता था हमारा खान पान का एक तरीका, तो हमने उसका नाम दिया पातालकोट की रसोई। पातालकोट की रसोई बेस्ड जो है वो यहाँ के जो नेटिव फूड्स हैं, जो यहाँ का जो व्यंजन है स्थानीय, उन पे आधारित है, और वो जो व्यंजन बनते हैं वो यहाँ पे पाई जाने वाली जो वनोपज है, या यहाँ पे जो पारंपरिक कई सालों से पुरानी खेतियाँ हो रही उनसे निकलने वाले अनाज हैं, और जो यहाँ का वेजिटेशन है उस पे आधारित जो चीज़ें थी, खान पान थी, उसी को हमने इसमें स्ट्रीमलाइन किया और एक माध्यम चुना, और धीरे 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 ये जो है बहुत अच्छा एप्रिशिएट हुआ, और निश्चित तौर पे इसके काफ़ी सारे अच्छे सकारात्मक परिणाम आने लगे। चूँकि एक ज़रूरत थी कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों को कैसे क्लब कर सकते हैं, और उससे निश्चित तौर पे उनको सीधे तौर पे फ़ायदा भी हो। अगर किसी चीज़ को इकोनॉमिकली आप एक्सरसाइज में लेके आते हैं तो वो सस्टेन करती है। तो मैं विद्यार्थी रहा हूँ अर्थशास्त्र का, तो मैंने इसमें कोशिश की कि हम इनको ऐसे तरीके का एक मंच बनाए कि लोगों के घरों पे वो लोग अगर वो जाके बैठेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोग इससे जुड़ेंगे तो उसको डायरेक्टली इनकम होगी। तो उस पर हमने काम किया। आज 20 से अधिक पातालकोट के गांव के अलावा भी तामिया क्षेत्र और पूरे छिंदवाड़ा ज़िले में बहुत सारे गांव और बहुत सारे परिवार इससे जुड़ चुके हैं और उससे इनकम कमा रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर इस घाटी की बात करें, जो पातालकोट की जो ये घाटी है, इसमें भारिया और गोंड जनजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं ऐसा बताया जाता है। इनका कुछ साल पहले तक स्थानीय स्तर पर ही जो आम लोग हैं उनसे संपर्क नहीं रहता था, तो इस जो आपका प्रयास है इससे उनको जोड़ा है और क्या बदलाव आए हैं? देखिए, हाँ, माध्यम यही एक बहुत अच्छा रहा कि इस बहाने लोग उनके गांव जाते हैं, उनके घर जाते हैं और बैठते हैं, और उसके वजह से उन दोनों के बीच में संवाद होता। बाहरी लोग जो लोग आते हैं, मेट्रो सिटीज़ से लोग आते हैं, खासतौर पे ये जगह जो है वो नागपुर से कनेक्टेड है, तो वीकेंड डेस्टिनेशन के रूप में और पचमढ़ी पास होने की वजह से ये वीकेंड डेस्टिनेशन बन गया है। सतपुड़ा का ये छुपा हुआ हिस्सा रहा है और अनछुआ हिस्सा रहा है, तो लोग आजकल अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस में पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उससे निश्चित हमारी कोशिश यही रहती है। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो विकास कार्य बहुत सारे कई सालों से हो रहे हैं आज़ादी के बाद से, तो उसके परिणाम अच्छे हुए हैं। जैसे मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो ग्रामीण सड़क योजना है, एक बड़ा अच्छा माध्यम है। जब उन जगहों पे हम लोग उनके माध्यम से पहुंचते हैं तो लोगों के साथ संवाद होता है, तो उससे वो डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि एक दूसरे में एक इंटरेक्शन से जो सकारात्मक बदलाव आने चाहिए वो भी आ रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से कुछ विशेष तौर पे यहाँ के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई हमने, क्योंकि कुछ महिलाओं से जो इस आदिवासी समुदाय की यहाँ पे रहती हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि राज्य सरकार की ओर से शुरुआत में तो कुछ ज़्यादा मदद नहीं थी, लेकिन अब जो है सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ा जा रहा है, तो वो क्या अनुभव रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे सरकारें बहुत सारे तरीके से काम कर रही हैं। सरकारें प्लानिंग के योजनाएं बना के भी काम कर रही हैं जिससे कम्युनिटी सबको फ़ायदा होता है ग्रुप में और एक एरिया वाइज, और इंडिविजुअल्स के लिए भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो बहुत सारे समूह बना के भी काम हो रहे हैं, बहुत सारी और भी कई सारी जो योजनाएँ हैं उससे काम हो रहा है। मनरेगा एक उन्होंने बहुत अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट के लिए एक तरीका बनाया हुआ है। ऐसी कई योजनाएँ हैं जो यहाँ पर पहुँचती हैं, काम होती हैं, तो निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा होता है। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर बहुत सारी चीज़ों पे अच्छा काम हो रहा है। कम से कम फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो उनके पास कलेक्शन आता है उससे अच्छा उनको रेवेन्यू मिल जाता है, एक अच्छी इनकम उनके पास में उससे भी बहुत अच्छी आती है। तो ये आपने सुना, पवन श्रीवास्तव जी ने बताया कि किस तरीके से पातालकोट की रसोई के जरिए जो उन्होंने पहल शुरू की उससे जो यहाँ के आम जनजाति लोग हैं उनको फ़ायदा मिला है, आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो रहे हैं और साथ ही सामाजिक तौर पर भी उनकी स्वीकारता बढ़ी है, जो कि कुछ सालों पहले तक बिल्कुल ही दुनिया से एक तरीके से कटे हुए थे। तो ये आप देख रहे हैं कि जो एक तरीके से मोटा अनाज है, ज्वार बाजरा, उसकी रोटियां हैं,
देसी तरीके से, बिल्कुल जैसे गांव में होता है, लकड़ी का ये तवा है उस पे सेकी जा रही है, मिट्टी का तवा उस पे सेकी जाती है और लकड़ी की आंच पे ही सारा पूरा जो प्रोसेस है वो बनाया जाता है, लगातार बनाई जाती है। और लोग काफ़ी जो यहाँ घूमने आते हैं उसको यहाँ पे ये स्वाद लेते हैं, बिल्कुल अलग तरह का इसका स्वाद होता है, इसका जायका हम भी लेंगे। ये बिल्कुल एक अलग तरह का नेटिव फूड है। हम लोग जब जाते हैं किसी भी बड़े शहर में तो वहाँ के जो फूड जाइंट्स होते हैं, जो बड़ी दुकानें होती हैं अच्छी, उन वहाँ तक जाते हैं, लेकिन ये अनुभव बिल्कुल अलग है। हम लोग एक दूर दराज के इलाके में हैं मध्य प्रदेश के, जो कि एक जनजाति इलाका है, तो वहाँ के फूड को, वहाँ की जो लोकल फूड है उसको समझना एक बेहद अहम होता है। वह भी तब जब ये एक तरह से जो केंद्र सरकार है मिलेट्स को बढ़ावा दे रही है, तो उसमें ये स्थानीय स्तर पे चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं अंकित शुक्ला, मंच के लिए।